पिछले दिनों जोधपुर में गैस सिलेंडर रिफिल करते समय हुए हादसे के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश मिले हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसी सूचना मिले जहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर कॉमर्शियल हो, वहां अगर अवैध रूप से कहीं रिफिलिंग की जाती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। ऐसे में आज बाड़मेर की रसद विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर बाड़मेर शहर के कोतवाली थाने के पास पहुंचे हैं और इनको ऐसी एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक मकान है। हालांकि कोतवाली थाने के आसपास यहाँ रहवासी इलाका भी है और भरी मार्केट भी है, यहाँ पर गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। और ऐसे में आज यहाँ पर रसद विभाग की टीम, प्रवर्तन अधिकारी खेमचंद उनके साथ प्रवर्तन निरीक्षक और कोतवाली पुलिस की टीम वो यहाँ पर पहुंची और आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर गैस रिफिलिंग का काम जो है, बड़े घरेलू सिलेंडर है उसको इसी छोटे सिलेंडर के माध्यम से रिफिलिंग किया जाता था। और ऐसे में यहाँ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आप देखिए जो रसद विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने साथ ही अपील भी की है आम लोगों से, जिले भर के लोगों से अपील की है कि अगर आपके घर के आसपास अगर इस प्रकार का कहीं काम चल रहा है जहां आपको जानकारी हो तो रसद विभाग को या पुलिस को सूचित करें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। क्योंकि अपने आप में देखिए कितनी बड़ी ये घटना जोधपुर में पिछले दिनों हुई थी, जोधपुर के एक चौक में जहां पर एक मकान के अंदर 30 से 40 गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम सिलेंडर थे और वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, 3 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही 16 लोग जो है वो गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें 80% लोग जो है वो 80% से ज्यादा झुलसे थे और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। ऐसा में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर अवैध रिफिलिंग की जाती है तो अपने आप में कितनी बड़ी ये हादसा हो सकता है। ऐसे में यहाँ रसद विभाग के अधिकारी हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी अवैध रूप से जो रिफिलिंग करते हैं ये घटना बड़ी घटना हो सकती है। खेमचंद जी जो है प्रवर्तन अधिकारी, उनसे जानते हैं सर कितनी बड़ी ये, अगर इस प्रकार की लोग लापरवाही करते हैं तो कितने बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं ये लोग। ये अभी हाल ही में जोधपुर शहर में हुआ था ऐसे हादसा जिसमें विशेष तौर जन हानि बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें छोटे कार्य के लिए और थोड़े लालच के मद्देनजर रखते हुए ये लोग कर रहे हैं जो पूर्णतः गलत है, अवैध है। इसी समय में जिला प्रशासन द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी। सर क्या जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों से अपील भी की जाएगी भी अगर इस प्रकार के कहीं काम चल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को या आपको सूचित करें? जरूर, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया और जैसे भी हो, जहाँ तक संभव हो सके इस संबंध में जरूर जागरूक किया जाएगा उपभोक्ताओं को कि इस संबंध में ऐसे गलत कार्य अगर हो तो प्रशासन को सूचित करे, तत्काल और त्वरित कार्रवाई हो सके। यहाँ सर कितने सिलेंडर बरामद किए गए हैं और क्या इक्विपमेंट है वो बरामद? यहाँ पर 2 सिलेंडर और 1 पेट्रोमैक्स छोटा सिलेंडर है, जिसमें से एक खाली था, एक में कुछ गैस थी और इसमें भरा जा रहा था अवैध रिफिलिंग, और 2 पाने और 3 निप्पल जो अवैध रिफिलिंग के तहत काम आते हैं वो भी, और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी। कांटा भी बरामद, बिल्कुल। आप देखिए ये इक्विपमेंट है और एक कांटा है, जो निप्पल है, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट है वो बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भवलाल जी, किस प्रकार से लोगों से कहना चाहिए पुलिस की ओर से कि अगर ऐसी कहीं सूचना मिले तो लोगों को इत्तला करें? तुरंत करें, इत्तला करनी चाहिए, कार्रवाई करती है, करते हैं ना, जरूरी है। जोधपुर हाल ही में हुआ था तो उसके बचाव के लिए जरूरी है निश्चित रूप से। देखिए मैं खास बात बता दूं, जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि इसमें कोई बड़ा मुनाफा नहीं है, बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग छोटे से मुनाफे के लिए इतनी बड़ी हादसे को न्योता देने के लिए काम करते हैं। ऐसे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी अपील है कि अगर आपके घरों के आसपास या आप जहां रहते हैं उसके इर्द गिर्द अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिले कि ऐसी कोई रिफिलिंग का काम किया जाता है तो रसद विभाग या पुलिस को इतला जरूर करें।